राम राम भाई, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग सही होंगे। तो भाई हम आ गए अड्डे, सुबह सुबह 9:30 बज रहे हैं। ये खड़ी पंडित जी की गाड़ी, वो खड़ी हमारी, ये खड़ी राजेश की और पंकज की खड़ी उधर पेड़ के नीचे। तो अब सीधा चलते हैं राजेश के पास। ऊबर में कब डाली थी? ये फर्जी डालता है। फर्जी बुकिंग पहले पड़ा है। पंकज तो आज भी वहाँ खड़ा है। वो आ गया यार, हम घर पे बुकिंग डलवा रहे थे, पंकज वाले जा रही थी। पंकज अभी भी आया है क्या? अरे तो भैया, तुम रोज है हमीरपुर जाते हो, नई चीज थोड़ी बता रहे हो। कोई नई चीज थोड़ी बता रहे हो भाई। हाँ वो जरूरी है, देख रहे हो कितने शान से बता रहा पंडित जी। इसको पानी तुमने पिला कैसे दिया ये बताओ। और ये कभी गाड़ी में पानी लाता नहीं, तुम्हारी गाड़ी में बैठेगा पानी लाओ। मांग के है। हमारी गाड़ी में बैठेगा तो 1 लीटर पानी पीएगा। अरे वो तो अभी 5 मिनट बाद फिर पिएगा। कैसे रखी है? कैसे काल वाली रखी है? होएगा यार कोई ना कोई। हाँ राजेश का साजी, अबे बोतलें कितनी रखी हैं यार। राजेश पानी की बोतल की जरूरत ले लो। आओ पंडित जी यहीं बैठा जाए। बरातरा से आ रही का? बरातरा से आ रही का? ये अजमेर से आ रही है। लेकिन इसमें हवा नहीं लग रही है, हवा बाहर लग रही है बढ़िया। कब लगेगी? धूल बहुत उड़ रही है। तो भैया बैठे बैठे हो गए 2 घंटे। तो हमारे सब्सक्राइबर भाई भी आ गए। हेलो फ्रेंड्स, 3-4 लोगों को बुकिंग मिल गई है। जिनको मिल गई वो जा चुके हैं। कम से कम 4 गाड़ियां गई होंगी ना, और 5-6 लोग अभी भी हम लोग बचे हुए हैं जिनके पास की राइड नहीं आई हुई है। अब राइड या तो बाहर का हम लोग करने वाले हैं, तो बाहर का मिले, नहीं तो कानपुर एयरपोर्ट रामा देवी तरफ का मिले, कुछ दूर का 2-4-5 किलोमीटर वाली 100-200 वाले भाड़ा में हम लोग को समझ में नहीं आता, पड़ता नहीं पड़ता है, इसलिए यहीं आराम से बैठे हैं। आज मौसम है भाई बहुत गंदा, धूल भरी आंधी चल रही है, ये समझ लो। बाहर बैठना बड़ा मुश्किल है। वो तो हमारे भाई आ गए, तो हमने कहा चलो अब गाड़ी में बैठते चल के इनसे कुछ बातचीत भी करनी थी। ये ले रहे हैं गाड़ी, अब देखो भगवान इनकी किस्मत में क्या रखे है, कौन सी गाड़ी दिलाता है। वैसे 2 गाड़ी इन्होंने देख रखी हैं, एक प्राइवेट नंबर है ना, उसको टैक्सी करवाओगे, एक कमर्शियल है तो उसका नंबर अभी मांगेंगे, उससे करेंगे बात। अगर बात बन जाती है तो भाई भी बहुत जल्दी ऑन रोड आ जाएगा, अपन लोग साथ में ओला उबर चलाएगा। जैसे हम लोग घर से बाहर बैठे हैं आके, ये कभी कभी होता है हम लोग काम नहीं मिलता है, जैसा कि आज है। हालांकि अभी बहुत समय पड़ा हुआ है, सारा दिन पड़ा हुआ है, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तो ठीक है, करते हैं वेट और भाई से करते हैं बातें ढेर सारी, कोई बुकिंग आएगी तो जाएंगे, नहीं तो यहीं आराम से जो है टाइम काटेंगे। हाँ तो भैया गर्मी है बहुत तेज, कल भी 4 बजे लॉगिन की थी लगभग, आज भी 4 बजे ही पहली राइड मिली है, जो कि हमारे रतन ऑर्बिट इंदिरानगर पड़ता है, वहां से पिकअप है। पिकअप के लिए हम आ चुके हैं। ये देखो इस तरह का व्यू है, ये एफ ब्लॉग है 402 में, यहीं कहीं रहते हैं पास में। सिक्योरिटी गार्ड से बात करा के मैं सीधा अंदर आ गया था। तो भाई गाड़ी में देखो ना, हमारे CNG है और ना ही पेट्रोल है, सब कुछ एकदम खत्म खत्म सा है, ये समझ लो बजट थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो इनको जाना है घंटाघर रेलवे स्टेशन, या एक नंबर की तरफ जाएंगे तो एक नंबर भी ले जाके छोड़ देंगे। अभी खड़े इनका कर रहे हैं वेट, और उबर में बुकिंग आ रही है, लेकिन भाई उबर में एक भी बुकिंग हमने एक्सेप्ट नहीं की है, और ना ही गए ना ही कोई राइड की है, ओला की हमारी पहली है ये। कुल मिला के अब हम बोहनी के लिए आए हुए हैं कि ठीक है कोई काम मिल जाए तो अब जो है ढंग से मेहनत किया जाए भाई। तो इसलिए अब मैं पहली राइड करने जा रहा हूँ, कस्टमर कर रहा हूँ वेट, देखते हैं कस्टमर कितनी देर के बाद आता है। और भाई देखो आपके सामने, देखो कितने अच्छे अच्छे जो है खजूर लगे हुए हैं, देखो गुच्छे गुच्छे, एक एक गुच्छा हमें लग रहा 5-5 किलो का होगा भाई। वैसे तो ये सऊदी अरब में होता है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत होता है, क्वालिटी थोड़ा सा लो रहता है, लेकिन भाई यहाँ भी हो जाता है। देखो इतना सारा फरा हुआ है, हमें लग रहा है एक पेड़ में कम से कम 1 क्विंटल होगा भाई,
एक एक गुच्छे का वजन 5 किलो 10 किलो 7 किलो इस तरह कुछ है। तो ठीक है, हम करते हैं वेट कस्टमर का आने का और फिर उसके बाद इनको ले जाके ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने बाद कहीं रास्ते में सीएनजी मिलेगी तो सीएनजी भी डलाएंगे और फिर उसके बाद इनको ले जाके छोड़ेंगे। अब भाई सिविल लाइन्स की बज रही है पास से ही, लेकिन अब उबर की अब क्या करना यार। अब तो ओला की एक आंखी है क्योंकि पिकअप करने के लिए आ चुके हैं, लगभग क्लाइंट लोकेट दबाए हुए 3 मिनट हो चुका है, अभी कस्टमर आए नहीं है। देखते हैं भाई कस्टमर कितनी देर बाद आता है। तो ठीक है, इस ब्लॉग में बने रहिएगा, बताते हैं कितना बिल आता है, कितनी गाड़ी चलती है, सीएनजी वगैरह डलाते हैं कितने का डलाते हैं। भाई अब तो उबर ने तो हद ही कर दी यार, बुकिंग पे बुकिंग दे रहा था, अभी तक खड़े थे भाई तब यही सारी बुकिंग नहीं दे रहा था। अब देखते हैं, वेट करते हैं क्लाइंट लोकेट दबा के इनका जो है कैंसिल करके निकल जाएंगे फिर दूसरी बुकिंग के लिए, तब तक उबर करते हैं ऑन। ओके भैया, आज का दिन तो हो गया हमारा खराब क्योंकि 150 रुपए काम किए हैं उबर में और लगभग 250 किए हैं ओला में, तो टोटल काम अपने पास हो गया है। और 250 का हुआ भी कैसे भाई, क्योंकि 180 रुपए तो हमारा ऑपरेटर बना था जिसको हम इंदिरानगर से घंटा घर ले गए थे। अब भाई घंटा घर से फिर हमारे पास एक बुकिंग आई आलमबाग नहरिया लखनऊ की, एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करने से कस्टमर से बात की, बोला ठीक है आ जाओ, नेतुआ ग्रामीण मतलब शुक्लागंज। हमने ठीक है भाई, पिकअप लोकेशन की तरफ तेजी से आगे बढ़े, बड़े खुश होके चलो यार आउट सन आने लगी। भाई जैसे पुल पे पहुंचे क्रॉस करने वाले थे, थाने के पहले ही कैंसिल हो गया भाई, कस्टमर ने कैंसिल किया भाई, तो हमें कैंसिलेशन मिला। लेकिन कंपनी ने भाई कैंसिलेशन भी पहले से घटा दिए हैं, अब शायद 71 रुपए शायद देते हैं, पहले 110 रुपए कुछ था, 111 था, तो भाई आगे से भी कम कर दिया है। उसके बाद ऊपर की राइड लेके यहाँ नवाबगंज आ गए, अब यही चिड़ियाघर में बैठे हुए हैं। बुकिंग तो आ रही है भाई, लेकिन पिकअप लोकेशन भाई 3 किलोमीटर दूर है और ड्रॉप करना 4.2, समझ रहे हो, जितना लेने जाओगे उतना ही ड्रॉप करेगा, 100 रुपए फेयर दिखा रहा है उबर में। तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कर दिया पास। अब यही खड़े होकर वेट कर रहे हैं आउट स्टेशन का, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो अपना यहीं से जो है घर निकल जाएंगे। भाई ये एकदम पास की बुकिंग है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन का ड्रॉप है, इसलिए इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि इस समय वहाँ बहुत जाम लगा हुआ, उधरी से हम आ रहे हैं। तो ठीक है, बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में, शाम तक देखते हैं कितनी कमाई हो पाती है और फिर उसके बाद का अपडेट बताते हैं आपको कि हम कहीं गए भी कि नहीं गए। कल का दिन तो भाई आज से भी अच्छा था, 4 बजे लॉगिन किया था शाम को और रात के 10 बजे तक, मतलब 5-6 घंटे में 1000 रुपये प्लस काम हो गया था। आज सुबह से लॉगिन है लेकिन काम नहीं किया, काम 4 बजे से स्टार्ट किए थे, अभी बज रहे हैं 6, 2 घंटे, 2 घंटे में लगभग हमने काम कर लिया 400 रुपये का, 150 रुपये उबर का और 250 रुपये ओला का, तो टोटल हो गया 400। 400 करने के बाद अब यहीं बैठे हुए हैं, कर रहे हैं आउट से इंतजार। वैसे शाम को जाते नहीं हैं, 6 बज गए, लेकिन भाई पैसे की है ज़रूरत इसलिए जाएंगे, नहीं तो लोकल में हम नहीं चलाते हैं, लेकिन अब चलाना पड़ रहा, मजबूरी है। तो ठीक है, करते हैं थोड़ी देर वेट फिर बताते हैं आपको। हाँ तो भाई राइड तो मिली नहीं, लेकिन अपने घनिष्ठ मित्र आ गए हैं सीताराम। सीताराम तो बहुत पुराने अपने दोस्त हैं, कम से कम 15 साल तो दोस्ती हो गई, 15-20 साल है ना। और ये तो भैया राहुल, ये तो अब इस समय हमेशा ही रहता है। सीताराम तो बहुत दिनों बाद आया है, ये तो गाड़ी बनी थी उसके पहले हम लोग तो दतिया 2-3 बार साथ ही में गए, 2 बार गए हैं, तो वैसे भी आता रहता है। अभी खड़े हैं इसी के यहाँ, लेकिन कोई राइड ढंग की आई नहीं, यहाँ सीधा घर निकल जाएंगे। ये लोग भी अपना काम पे निकल जाएंगे, शाम को होगी छुट्टी, ये अपने घर हम अपने घर। आज का दिन तो भाई रहा बेकार, क्योंकि जो बुकिंग थी वो हो गई कैंसिल ओला की, और लोकल में हमने गाड़ी चलाई नहीं, चलाते भी कैसे यार, 100-200 की बुकिंग आ रही लोकल में, और लोकल में गर्मियों करने का मतलब है हत्या, समझ लो गाड़ी की हत्या, गाड़ी की और ड्राइवर की। ड्राइवर को तो आराम रहता है, गाड़ी के अंदर बैठा है, बढ़िया एसी चल रहा है, सब कुछ स्केच वगैरह बाहर लगते हैं, गाड़ी अभी हम बनवा के आए, एक बेस पे लगेगा तो भाई सीने पे दर्द होएगा तो इंतजार कर रहे हैं, आज नहीं आई कल आएगी, एक दिन आ गई भाई तो फिर डेली आएगी, सिस्टम ऐसा बना देंगे समझ लो। क्या राहुल भाई, बिल्कुल पैसा कमाना है सारा, पैसा तो बहुत, एक अमेरिका की मारो फिर दुबई मारो, हाँ सब बाहर बाहर की होंगी, जितनी भी होंगी 200-500 किलोमीटर दूर की होंगी राइडें, उससे नजदीक कोई राइडें नहीं होगी, लोकल में तो चलाएंगे ही नहीं, ये हमने पहले ही सोच रखा है, लेकिन जब भगवान देगा तब है ना। कल भी नहीं दी यार, आज भी नहीं दी, तो चलो कोई बात नहीं, कल भी वेट करेंगे, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। चलिए बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में, बकाया भाइयों से करते हैं बातचीत और मिलेंगे कुछ देर के बाद में, तब तक टाटा राम राम, बाय बाय।
हाँ तो भैया हो गई है शाम और बुकिंग तो कोई आई नहीं है, बस काम अपना वही 400 रुपए का ही हुआ है। इंतजार कर रहे थे, सारा दिन इंतजार किया भाई आउटसन का, लेकिन एक आई भी तो वो भी फर्जी आई। ऊबर ने तो हमें काम भाई दिया ही नहीं। तो आप सोच रहे हैं यार कि घर की तरफ चले, क्योंकि बज गए हैं 7, अब जाएंगे घर की तरफ, कल से देखेंगे, क्योंकि पैसे की है सख्त ज़रूरत और लोकल से हमारा भला होने वाला है नहीं, और लोकल वैसे भी हम चलाते हैं नहीं। और अगर अच्छी राइड आ गई तो भाई छोड़ते भी नहीं। अच्छी राइड का ये है कि 10 किलोमीटर प्लस हो, प्लस प्राइम की बुकिंग हो, दो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि लंबी दूरी की यात्रा हो और प्राइम सेडान की बुकिंग हो, तो लोकल में भी चला लेते, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ठीक है भाई, 7 बजने वाले हैं, सीधा चलते घर की तरफ। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में और एक नई उम्मीद के साथ में कि शायद कहीं से कुछ अच्छा हो। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।